पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद आज मतगणना के दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच टक्कर मानी जा रही है। वहीं इन दोनों के इधर कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ भी बंगाल में है। इस चुनाव में डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, बहरामपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान है। कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और आसनसोल से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में हैं। मतगणना के दौरान पश्चिम बंगाल की इन हस्तियों पर लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। इनके अतिरिक्त बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, केंद्रीय मंत्री निशीत प्रमाणिक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार सहित कई हस्तियाँ चुनाव मैदान में हैं। मतों की गणना शुरू हुई है। अभिषेक बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी, महुआ मोइत्रा आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बीजेपी पर बढ़त बना ली है। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बाद पार्टी में दूसरे नंबर पर आते हैं। उन पर पहले साल 2014 और 2015 में डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। उनके खिलाफ अभिजीत कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि माकपा ने प्रतिकूल रहमान को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर बहरामपुर में लोकसभा सीट कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का गढ़ माना जाता है। बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन के बीच सियासी तकरार में अभी अवगत है। ममता बनर्जी लगातार अधीर रंजन को पराजित करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि पिछले 5 लोकसभा चुनावों से बहरामपुर में अपनी जीत दर्ज करा रहे हैं। इस बार ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। बहरामपुर में यूसुफ पठान और अधीर रंजन के बीच टक्कर मानी जा रही है। बहरामपुर मुस्लिम बहुल इलाका है। यूसुफ पठान मुस्लिम होने के साथ साथ क्रिकेटर स्टार हैं। ऐसे में वह अधीर रंजन के गढ़ में सेंध लगा सकते हैं। हालांकि चुनाव परिणाम से यह साफ हो जाएगा कि जीत आखिर किसे मिलती है। उसी तरह से कृष्णानगर ने टीएमसी ने फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा को फिर से उम्मीदवार बनाया है। कैश गिफ्ट के बदले लोकसभा में चुनाव पूछने को लेकर लगे आरोप के बाद भी महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निलंबित कर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने फिर से उन्हें कृष्णानगर का उम्मीदवार बनाया है और ममता बनर्जी ने खुद उनके समर्थन में सभा भी की थी। दूसरी ओर बीजेपी ने उनके खिलाफ राजमाता अमृता रॉय को उतारा है। बता दें कि कृष्णानगर कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी ने साल 1999 में जीत हासिल की थी और केंद्रीय मंत्री बने थे। इसी कारण से यह सीट पर भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है।